यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा लाइक फीमेल्स हैं, जैसे कि लताकिया सिटी में वहाँ पे 5 वुमेन पर 1 मेल है। इनके लिए आज सैटरडे और संडे है, तो बहुत सारे लोग बाहर निकले हैं इकट्ठे होके। एक बार यहीं पे बम गिरा था। ये बगदास दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट आइसक्रीम शॉप है भाई। ये मुझे बेच रहे हैं क्या? कुछ ब्रास थी, बोल रहे तुम ले लो। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ डमास्कस में। आज मेरा कुछ लास्ट स्टार्ट है। अभी मेरे पास 1 घंटे इंटरनेशनल जाने से पहले, तो मैं सोचा आपको कुछ बाजार चले जाऊँ। तो और ये बता दो कि सीरिया कितना एक्सपेंसिव है? नहीं एक्सपेंसिव है, यू नो आपका जाना जरूरी है जब टूरिस्ट आते हो। हालांकि मैंने बता रखा है कि सीरिया काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो बताऊँगा बाद में, बात वो वाली बात। लेकिन मैंने भाई ये देखो है, यहाँ पे है स्पेसिफिक रशिया, एक व्लादिमीर पुतिन भाई साहब के और इनके प्रेसिडेंट भाई साहब का यहाँ पे ये बना हुआ, और ये सारा हैंडमेड है। तो मुझे लगा ये काफ़ी फनी गिफ्ट होगा, क्योंकि मैं भी नास्तिया के घर जाऊँगा, अभी रशिया जाऊँगा, तो ये उनके घर पे दे दूँगा, कि उनके लिए काफ़ी डिफरेंट सा गिफ्ट होगा। तब क्या लेके जाऊँ? मैंने कहा ये सही है उनके लिए, क्योंकि उसकी जो मम्मी है वो व्लादिमीर पुतिन की बहुत बड़ी फ़ैन है। तो मैंने कहा तुम्हारे घर पर जाऊँगा, ये सब दे के आ जाऊँगा। बहुत सारे हैं यहाँ पे असाद एंड पुतिन के बहुत सारे पुतले हैं, ये सब बने हुए हैं। एंड वहाँ पे भी लाइक आप मैग्नेट देखोगे तो आप मैग्नेट में भी आपको लाइक दिखेगा व्लादिमीर पुतिन एंड असाद का, ये कुछ ऐसा एरिया दिखता है भाई। और चलो अब थोड़ा और मॉल शॉपिंग करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है यहाँ पे सीरिया आज वापस से। भाई ये मार्केट है, जो मैं मार्केट आया हुआ हूँ सीरिया के मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें खरीदने लायक है, जैसे कि ये नो जूस वगैरह मिल जाएगा सस्ते में आपको। इस तरफ कुछ उधर मिल रहा है भाई। भाई ये भुट्टे पका के बेच रहे हैं, भाई ये यहाँ का वापस से फेमस उमैद मॉस्क, सीरिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉस्क है यार, ना कि सिर्फ सीरिया का, बाकी जितने भी जो लाइक जो मुस्लिम हैं जो फॉलो करते हैं इस्लाम, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉस्क है, बहुत ही होली मॉस्क है। हालांकि मेरे सामने कुछ पुलिस है यार, यहाँ पे हर जगह पुलिस है, मेरे से वीडियो बनाया नहीं जाता यार, कि हर जगह पुलिस, पुलिस पकड़ ले तो बड़े कुछ सवाल होते हैं यहाँ पे। तो कृपया वीडियो वगैरह सही, जब जब यहाँ पे आएंगे तो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो सकती है वीडियो बनाने में। जैसे कि ये भुट्टा बेच रहे हैं भाई साहब। कैन आई ट्राई वन ब्रदर, कैन आई ट्राई वन, कैन आई ट्राई वन? वाहिद ला 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 वन वन वाहिद 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 भाई इतना क्यों दे रहा है भाई? बहुत वाहिद भाई, भुट्टा है, कच्चा भुट्टा है, बड़ा वियर्ड सा है, मैं ले रहा, थैंक यू भाई। ये काफ़ी ओल्ड बाज़ार है एंड यहाँ पे आप बहुत चीज़ खरीद सकते हो। तो भाई ये पूरा बाज़ार है, आपको मैं बाज़ार दिखाते चलता हूँ। बाज़ार का मतलब यहाँ पे होता है सूट। और भाई लोग दो कितने आ रखे हैं, अलग अलग चीज़ें मिल रहा है यहाँ पे, ये भी खाने लायक चीज़ें, मस्त दिख रहा है। ये सोच रहा हूँ क्या खरीदूँ, समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे खाने लायक भाई, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको जो खरीदना है खरीद सकते हो। टी शर्ट वगैरह भाई अगर आप मॉल में खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। हाउ मच फॉर वन टी शर्ट, हाउ मच? ये भाई साहब देखो आप कैलकुलेटर निकाल रहे हैं अपना भाई, 10 साल पुराना फ़ोन लग रहा है, मुझे याद है जब मैं 8 साल पहले ये फ़ोन यूज़ करता था। 15,000, सो अराउंड $5, लाइक $4.5 ओरिजिनल मेंस वियर। 4.5 करोड़ का भाई ये मिल जाएगा अगर आप इस तरह के कपड़े ले रहे हो तो। नए हैं, ऐसा नहीं कि पुराने कपड़े हैं, नए कपड़े हैं। थैंक यू, शुक्रन। ये और कपड़े का शॉप है, ये लेडीज़ सेक्शन है भाई, इधर जाना ही नहीं है। पुलिस क्या कर रही है लेडीज़ सेक्शन, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मोस्टली लेडीज़ सेक्शन है, ये बच्चों के लिए है। ये मुझे बेच रहे हैं क्या? कुछ ब्रास थी, बोल रहे तुम, कुछ ऐसा बोला कि तुम ले लो, अरबी है कुछ कुछ, जितना मुझे समझ में आया। मैंने कहा मुझे क्यों बेच रहे हो भाई, आप थोड़े मतलब छोड़ो, क्या बताऊँ अब क्या बोलूँ। दादी आ गई मेरे बीच में, थोड़ा अंधेरा है भाई, बट आई होप सबको वीडियो आपको दिख रहा होगा, मस्त दिख रहा है। ये बहुत बड़ा ये एरिया है, अंदर से जाते रहोगे आप तो जाते रहोगे, अलग अलग चीज़ें मिल जाएगी। अदिदास और अबिबास, व्हाट अबिबास अदिदास अबिबास
हेलो भाई, पिछली वीडियो में मैंने आपको शॉपिंग मॉल दिखाया था। इस वीडियो में मैं काइंड ऑफ आपको दिखा रहा हूँ कि ये लोकल शॉपिंग मॉल कैसा है, क्योंकि ये भी काइंड ऑफ शॉपिंग मॉल जैसा है। ये बगदास दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट आइसक्रीम शॉप है भाई। थैंक यू। رايك بين صور وقول له جرابات شرف. شكرا شكرا جرابات شكرا جراف نينادا لا جراف جراف بھائی ہندی میں بھی کہتے ہیں، ایکچولی ہندی ورڈ تو نہیں آ رہا ابھی کوئی ورڈ، ہم لوگ نا ہندی میں یوز کرتے ہیں، اردو میں یوز کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے اولڈیسٹ آئس کریم شاپ تھا۔ اگر کبھی آپ یہاں پر آتے ہو تو یہاں پہ آئس کریم بہت ٹرائی کرنا، بہت ہی مست آئس کریم ہے، بہت ہی مست۔ دنیا کا سب سے اولڈیسٹ آئس کریم شاپ ہے، اینڈ دا بیسٹ لگا بھائی جب میں کھایا۔ میرے گائیڈ بھائی صاحب تھوڑے بھول گئے، کہاں چلے گئے وہ، क्योंकि गाइड भाई साहब ने बोला है कि आप मेरे साथ ही रहें। अच्छा, मेरे पीछे हैं, उधर हैं, तो ये आपको और दिखाते चलता हूँ यहाँ पे। और भाई, स्मोकिंग कल्चर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, आपको हर लोग स्मोकिंग करते दिख जाएंगे। भाई, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब आप यहाँ पे वीडियो बनाते हो तो थोड़ा आप अटेंशन गैदर कर लेते हो, जो यहाँ पे गैदर नहीं मांगता। अगर गैदर करते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, प्रॉब्लम इन लाइक पुलिस वगैरह के पास कोई कंप्लेन कर दे कि वीडियो वगैरह बना रहा है। अगर आप जान पहचान गए कि आप लाइक यू नो यूट्यूबर हो तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, तो इसलिए मैं काइंड ऑफ जब देखता हूँ कि लोग अटेंशन ज़्यादा देने लगे फिर मैं अपना कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे भाई अटेंशन नहीं चाहिए यहाँ पे। अलग कंट्रीज़ वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होती, आते हैं लोग मैं आ जाओ मैं यूट्यूबर हूँ बोल देता हूँ, बट यहाँ पर नहीं भाई, यहाँ पर नहीं बोलता मैं। काफ़ी एकदम सावधानी से यहाँ पर हूँ, और आज लास्ट डे है तो आज मैं कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता, सब कुछ मैं सही करके अभी तक आ चुका हूँ। लेकिन ये थोड़ा मार्केट वगैरह एरिया और है भाई। और अगर भाई बोला जाए सबसे एक्सपेंसिव कंट्री मेरी कौन सी थी, तो मैं बोलूँगा भाई वो सीरिया थी। यहाँ पे मैंने जो खर्च किए हैं वो अराउंड 191,000 रुपये 8 दिनों के लिए, आना जाना, फ्लाइट, रहना, खाना पीना सब 191,000-192,000 रुपये के आसपास 8 दिनों में। तो कभी कभी वर्ल्ड टूर करना, कभी कभी वर्ल्ड टूर करना थोड़ा सा किसी किसी कंट्री में महंगा पड़ जाता है, जैसा कि मुझे सीरिया में पड़ा है। थोड़ा महंगा है सीरिया एज ए टूरिस्ट, बट सीरिया की अगर बातें करें तो भाई सिटेड्रल है डमास्कस का। टूर भाई साहब बता रहे हैं तो मैं आपको दिखाता भी जा रहा हूँ, ये डमास्कस सिटेड्रल है। मैं तो गया था, आपको याद होगा, आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में। भाई, आपको इस तरह के बच्चे मिल जाएंगे सब कुछ बेचते हुए, छोटे छोटे बच्चे बेचते हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे लाइक। एक्चुअली जो यहाँ पे जो वार्ड हुआ, सॉरी आगे वापस से बंद करता हूँ, आगे पुलिस है। तो भाई, मैं बात कर रहा था जो यहाँ पे वार्ड हुआ था, भाई यहाँ पे जो वार्ड हुआ उसके कारण अभी जो सिचुएशन है सीरिया में वो बहुत ही ख़राब है। ये गाइड भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि अब ऐसा हो गया कि जो वार्ड में जो मरे हैं मोस्टली वो मेल मरे हैं, एक फीमेल उसने नहीं मरे, क्योंकि जो वार्ड में जो सिपाही वगैरह झगड़ा कर रहे थे वो मरे थे। तो भाई, मैं बात कर रहा था कि क्या बात कर रहा था, उसमें दो बार पुलिस भाई साहब ने रोक दिया मुझे कि हुआ क्या था कि जब आप यहाँ पे वार हो रहा था तो वार के समय जो मेल थे वो लड़ाई करने के लिए गए, तो उसके कारण जो मोस्टली जो इस वार्ड में मरे हैं सिविल वार्ड में वो मोस्टली मेल थे। तो भाई, मेल के मरने से क्या हो गया कि पॉपुलेशन जो फीमेल की संख्या की जो पॉपुलेशन है काफ़ी इंक्रीज हो रखी है, एंड मेल की जो पॉपुलेशन है काफ़ी डिक्रीज हो रखी है। तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा लाइक फीमेल्स हैं, एंड लाइक कह रहे हैं कि कुछ सिटी में जैसे कि लताकिया सिटी में वहाँ पे 5 वुमेन पर 1 मेल है। तो चलो, मतलब कितना कम है, ये बहुत ही कम रेशियो, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली कम है ये रेशियो, बट वहाँ पे ये रेशियो बहुत ही, मतलब सुन के बहुत हैरानी हो गई कि इस तरह हुआ है कि, तो मतलब यहाँ पे लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा होती जा रही है, लड़के कम हैं। सो यहाँ की गवर्नमेंट अभी डिसाइड कर रही है कि एक मेल यू नो 4-5 शादियाँ कर सकता है अब, क्योंकि लड़कियाँ कहाँ जाएगी अब, यू नो। तो ये बात चल रही थी, मुझे गाइड भाई साहब ने बताया ये बातें। ये कुछ ऐसा एरिया है भाई, अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा कंजर्वेटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 मॉस्क है, तो आपको बहुत सारे लोग हिजाब में दिख जाएंगे। गाइड भाई साहब बता रहे थे कि जो आजकल जो लड़कियाँ हैं यहाँ पे, इवन वो हिंदू हो, सॉरी हिंदू तो यहाँ पे कहाँ से आया, इवन वो मुस्लिम हो या तो फिर क्रिश्चन हो, वो मोस्टली अब हिजाब पहना धीरे धीरे सिलसिला छूटता जा रहा है, और डिपेंड करता है फैमिली के ऊपर। कोई फैमिली लाइक कहती है कि आपको पहनना चाहिए, कि कोई कहती है कि, कोई फैमिली कुछ नहीं बोलती, मतलब डिपेंड करता है कि किस फैमिली से आप है। कुछ ऐसा आइडिया दिखता है भाई मेरे भाई सामने, एक रूसी नागरिक है, दो रूसी नागरिक है,
मैं देख के समझाता हूँ रूसी नागरिक रूसी नागरिक को। यहाँ पे बहुत सारे रूसी लोग हैं क्योंकि रशिया की यहाँ पे अच्छी खासी फौज है। यहाँ पे कितने नंबर से मुझे नहीं पता, बट रशिया की अच्छी खासी यहाँ पे फौज है। भाई यहाँ पर फ्रेश ब्रेड मिल रहा है, अगर कुछ फ्रेश ब्रेड वगैरह खाना है तो ब्लैक ब्रेड फैक्ट्री है तो फ्रेश ब्रेड मिल रहा है यहाँ पे, फ्रेश ब्रेड बना रहे हैं। हेलो, बच्चा काम कर रहा था तो बोला निकल गया वहां से, उसको गरम तो उससे जला दिया गया। यार बताओ ऐसे कर रहे, बट कोई नहीं। सो यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटेटेड ब्रेड शॉप भी है जहाँ पर जाके आप ब्रेड खरीद सकते हैं। मुझे लगा कुछ क्या, मुझे क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे ब्रेड फैसिलिटेटेड शॉप है जहाँ पे आप जाके गवर्नमेंट की तरफ से जाके ब्रेड खरीद सकते हैं, सस्ती ब्रेड मिलती है वहाँ पे। तो मैंने सुबह देखा लंबी लाइन लगी हुई थी, मतलब बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, कम से कम 3 किलोमीटर लोग लाइन में खड़े थे। तो यहाँ पे अगर आप कुछ डिस्काउंटेड रेट में खरीदना चाहते हो तो आपको लाइन लगनी पड़ेगी भाई, आप कहीं भी जाओ पढ़ना ब्लैक मार्केट तो है ही। काफी हैपनिंग सा स्ट्रीट है, बहुत सारे लोग हैं। Propinski has something to eat here. Ah. Propinski, I told you. Ah. He has something to eat here. Eat here. And pizza, small there. Pizza there. Okay. क्या बात कर रहा था? Crowd or less crowd? क्राउड इज ओके जनरली भाई, दिन के समय इस स्ट्रीट पे इतने लोग रहते नहीं है, लेकिन रात का समय है और आज बृहस्पतिवार है, तो एक्चुअली बृहस्पतिवार यहाँ का हॉलीडे होता है। कहाँ पे भाई साहब, टूर गाइड भाई साहब ने एक बात बताई यहाँ पे, मैंने इन्होंने कहा कि कुछ इसराइल के फ्लैग हैं, तो मुझे देख के मैं दंग हो गया क्योंकि यू नो सीरिया इसराइल के बारे में। ये देखो भाई, काफी मैं सच में दंग हो गया था जब मैंने फ्लैग देखी। यहाँ पे कप वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पे अगर आप खरीदना है सोवनीर्स वगैरह तो बहुत सारे सोवनीर्स ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ फोटो सेशन हो रहा है, फोटो सेशन नहीं, कुछ टीवी चीजें चल रही है या तो कुछ सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है मेरे हिसाब से। मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ सोशल मीडिया के लिए। वाली स्ट्रीट से निकल गया, मैं नॉर्मल स्ट्रीट पे आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पे ये भाई लव शॉप है, वैलेंटाइन डे पे आप यहाँ पर आओ और सामान खरीदो, यू नो रोज में जस्ट फॉर यू लव 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 ये सब चीज़ें। ये स्ट्रीट पे मैं पहले आ रखा हूँ, बट जब मैं आया था तो उतना मैंने यहाँ पे शोर शराबा नहीं देखा था जितना कि मैं अभी देख रहा हूँ। आज इनके लिए हॉलीडे है, इनके लिए आज सैटरडे और संडे है, तो बहुत सारे लोग बाहर निकले हैं इकट्ठे होके। एंड एक बार यहीं पर बम गिरा था, हालांकि उस समय ऑलमोस्ट ऑलरेडी वॉर चल रहा था तो लोग उतने बाहर नहीं थे, लेकिन बम यहाँ पे भी गिरा था एक बम। तो भाई मैं आ गया हूँ सीरिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट 5-स्टार होटल में, बॉटिक होटल है, मतलब सीरियन होम था दिखाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पे रहने का जो लगेगा आपको एज ए फॉरनर $30 से $40 एज पर कंपेयर करें तो बहुत ही डिफरेंट एंड बहुत ही यूनिक है।